दोस्तों ये ब्रांड याद है आपको? इंडियन मार्केट में कभी इसका लगभग 50% शेयर हुआ करता था, लेकिन अब ये लंबे समय से नजर नहीं आता है। आखिर नाइक और एडिडास को पीछे छोड़ने वाला रिबॉक अब मार्केट में दिखाई क्यों नहीं देता और क्या है इसके फेलियर की वजह? दोस्तों बहुत ही कमाल का इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। रीजन नंबर 1, रिबॉक की गलतियों में से एक ये थी कि ये फिटनेस स्पोर्ट्स जैसी कई कैटेगरीज में शूज बनाता था, जिसके बाद ना ये कम्प्लीटली फिटनेस शूज ब्रांड बन पाया और ना ही स्पोर्ट्स या म्यूजिक शूज ब्रांड, और इस तरह से यह अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने से चूक गया। रीजन नंबर 2, रिबॉक का मेन मकसद ब्रांड को एक्सपेंड करना था, जिस वजह से शूज की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया गया। रीजन नंबर 3, भारी लॉस होने के बाद रिबॉक को एडिडास से बेच दिया गया, जिसके बाद एडिडास ने भी रिबॉक को छोड़कर सिर्फ अपना ब्रांड ही प्रमोट किया और इस तरह से रिबॉक धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गया।